दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर साथ में लगे हुए घंटे को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो सीधे आप तक पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, रेमेडी अपडेट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लौंग के गुणों के बारे में बताऊंगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लौंग का प्रयोग सदियों से आयुर्वेदिक औषधियों के तौर पर किया जाता रहा है। लौंग कई तरह की गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इस मसाले का उपयोग भारतीय पकवानों में बहुतायत रूप में किया जाता है। अगर प्रतिदिन लौंग का अलग अलग तरीके से सेवन किया जाए तो इससे आपको कई तरह की बीमारियों में लाभ मिलेगा। आज हम आपको लौंग खाने से दूर होने वाली उन 10 बीमारियों के बारे में बता रहे हैं जिनसे शायद आप अनजान होंगे। नंबर 1, लौंग को मुंह में रखकर उसका रस चूसने से खांसी खत्म हो जाती है। जब तक मुंह में लौंग रहती है तब तक खांसी बंद ही रहती है। नंबर 2, लौंग को मुंह में रखकर चूसने से मुंह और सांस से आने वाली बदबू दूर हो जाती है। नंबर 3, लौंग के तेल की कुछ बूंदें किसी स्वच्छ कपड़े पर टपकाकर उस कपड़े को बार बार सूंघने से जुकाम की समस्या ठीक हो जाती है दोस्तों, और साथ ही नाक भी बंद नहीं होती। अगर नाक बंद होती है तो खुल जाती है। नंबर 4, दोस्तों, लौंग को पानी के साथ पीसकर 100 ग्राम पानी में मिलाकर छानकर मिश्री मिलाकर पीने से हृदय की जलन दूर होती है और पेट में जलन होना बंद हो जाती है। नंबर 5, दोस्तों, वात विकार व जोड़ों के दर्द में लौंग का तेल मलने से पीड़ा खत्म होती है। नंबर 6, लौंग को पानी के साथ पीसकर हल्के गर्म पानी में मिलाकर पीने से जी मिचलाना बंद हो जाता है और प्यास लगने भी बंद हो जाती है। नंबर सात है दोस्तों, लौंग के तेल की एक बूंद 2 बताशे पर डालकर खाने से हैजे की विकृति दूर हो जाती है। नंबर आठ, दोस्तों, लौंग को बकरी के दूध में पीसकर नेत्रों में आंखों में काजल की तरह लगाने से रतौंधी रोग ठीक हो जाता है। नंबर 9, लौंग और चिरायता दोनों बराबर मात्रा में पानी के साथ पीसकर पिलाने से रोगी को बुखार खत्म हो जाता है। दोस्तों, आखिरी और 10वां इलाज है, एक रत्ती लौंग लें, उसे पीस लें और मिश्री की चाशनी में मिलाकर चाट कर खिलाने से गर्भवती महिलाओं की उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। तो देखा दोस्तों, एक लौंग से 10 इलाज। तो अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अगले बार नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।